अब इस वीडियो में बीएससी पार्ट थर्ड सेकंड पेपर में इस वीडियो में फोर्थ में पढ़ोगे ओवरलैपिंग जीन क्या होते हैं। इससे पहले आपने जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन संश्लेषण पर लास्ट वीडियोज में, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा करके अध्ययन कर सकते हो डाउनलोड करके, तो यहाँ पर पढ़ोगे इसमें ओवरलैपिंग जीन क्या है। ये जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, जैसे 1200 बेस पेयर्स लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस में एक प्रोटीन में 400 अमीनो एसिड्स लॉन्ग सिंथेसाइज ऑफ डीएनए होंगे। दो डिफरेंट प्रोटीन्स एक ही क्रम में स्वतंत्रतापूर्वक सिंथेसाइज हो जाते हैं। इनिशिएशन कोडांस ओवरलैप्स विद टर्मिनल कोडांस के साथ होगी और ओवरलैपिंग डिटेक्टेड सफलतापूर्वक किसमें ट्राइप्टोफैन एमआरएनए ऑफ ईकोलाई में ट्रिप्टोफैन एमआरएनए ऑफ ईकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई में होगी। ये है ओवरलैपिंग ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई ई एंड डी, ई और डी, जैसे जे है ये पूरा डी है, डी के ऊपर ई आ गया, ये ओवरलैप कर रहा है, इसी को हम कहेंगे ओवरलैपिंग। जीन इन फेज या फाई 174। इसके बाद इसमें पढ़ोगे, ये भी शार्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, स्प्लिट जीन क्या होते हैं। क्या है, सन 1977 में कुछ मैमेलियन वायरस तथा यूकैरियोट्स के एक जीन को पीसीज में फटते हुए देखा गया। डीएनए सीक्वेंस में जीन में अल्टरनेटिंग इंट्रॉन्स तथा एग्जॉन्स होते हैं और बाद में जीन्स के पीसीज हुए। फिर फिलिप सैड और रिचार्ड रॉबर्ट को नोबेल प्राइज भी स्प्लिट जीन की खोज के लिए दिया गया। डीएनए में स्प्लिट जीन की डिस्कवरी के बाद आरएनए में भी स्प्लिट जीन की खोज की गई। क्या हो गया, ओवरलैपिंग जीन, स्प्लिट जीन, और इन दो शार्ट नोट्स को आप इस वीडियोज में स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसको हम बताएंगे। ये आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।